हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट आईएएस। आई एम टेक चंदेशवाल एंड वी वर स्टडिंग आवर मेजरमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। सो हमने जो क्लास की थी लास्ट टाइम, उसमें हमने क्या किया था, एनहेंसमेंट ऑफ द रेंज ऑफ एमिटर। आफ्टर दैट वी डिड वन क्वेश्चन एंड केप्ट वन क्वेश्चन फॉर होमवर्क। आई होप यू हैव डन इट। सन ट्रांजिशन को मैंने करा दिया था। आफ्टर दैट वी हैड टू कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द करंट फॉर टेम्परेचर है जो 30 डिग्री। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, -9.38% पहले एंड आफ्टर कनेक्टिंग ए स्वैम्प रेजिस्टेंस देन माइनस का 7.64। इफ यू हैवंट डन देन क्विकली विद इन अ मिनट यू विल सी इट। ओके, बस एक मिनट से ज़्यादा टाइम मिलेंगे। मेरा मीटर रेजिस्टेंस 100 था, मल्टीपायर M10 आया था, उस चीज मैंने निकाला था RSS 11.11। टेम्परेचर राइज हुआ T1 से T2, सो व्हाट वाज माय डेल्टा टी वाज 30 डिग्री सेल्सियस। देन RSN2 इज इक्वल टू R1 × 1 + alpha T, R1 × 1 + alpha T डाला, आया मेरा 11.16 ओम। ओके, सिमिलरली मीटर टू, ये तो कॉपर का है, मीटर का जो मेरा एमीटर है, जो मेरा PMMC है या फिर जो भी मेरा ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, इसकी कोइल तो मेरी कॉपर वायर की थी, तो कॉपर वायर का अल्फा क्या था, 0.04। ओके, 0.004 × 30 डिग्री अल्फा डेल्टा टी हो गया, ये हो गया मेरा अल्फा डेल्टा टी। तो R1 × 1 + alpha T, ये मेरा RM2 हो गया, दैट इज 112 ओम। ओके, सो दिस इज 112 ओम। ओके, सो मेरा नया सर्किट क्या बनेगा, आरएम नया है 112 ओम, 11.16 ओम मेरा नया आरएसएच आया, यहाँ पे कैलकुलेट किया था दिस वन। देन आई कैलकुलेटेड IM2 यूजिंग करंट डिवाइडर। हेयर मेरा इनकमिंग करंट क्या है, 1 एम्पियर, और 1 एम्पियर का मैं लिख सकता हूँ 1000 mA। देन आई कैलकुलेटेड माई IM 1000 × 11.16 / IM आ गया। I calculated my percentage error, that is -9.386। ठीक है, मैं इसे इतनी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डिक्टो सेम हमने एक क्वेश्चन बड़ी स्लोली किया था, एंड इन द लास्ट क्लास आई ऑल्सो टोल्ड यू द मेथड, सो आई होप यू नो इट। और नहीं भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप इस सोल्यूशन को देख सकते हो, इवन इफ आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है वैसे आएगी नहीं, बिकॉज बिल्कुल सेम 100% सेम क्वेश्चन हमने किया था एंड इट वॉज फॉर होमवर्क। तो बस मेरे को यहाँ पे आंसर बताना चाहिए कि आप आंसर मैच कर लो। पहले केस में आया था -9.386, देन वी यूज्ड स्वैम्प रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओम। यहाँ पे मैंने स्वैम्प रेजिस्टेंस लगाया 25 ओम का, तो अब मेरा जो मीटर का रेजिस्टेंस है वो नया रेजिस्टेंस क्या हो गया, 100 + 25 जो सीरीज में है, मुझे RSH इसी के पैरेलल में लगाना है ना। लगाने को तो मैं यहाँ भी लगा सकता था, बट नहीं, उससे फिर मेरा कुछ भी फायदा नहीं होता। अगर मैं यहाँ पे लगा देता यहाँ पे, तो उससे मेरा कुछ भी फायदा नहीं होता। दैट्स व्हाई वी कैलकुलेटेड RSH इन पैरेलल टू द RM एंड R स्वैम्प इन सीरीज। तो मीटर का रेजिस्टेंस और R स्वैम्प दोनों को सीरीज में लगा के उसके पैरेलल में डालता हूँ RSH को। ओके, देन सेम प्रोसीजर, टेम्परेचर चेंज हुआ, पहले तो RSH नया डिजाइन कर लिया। RSH क्या होता है मेरा, माई RSH इज इक्वल टू RM मीटर का रेजिस्टेंस अपॉन में M-1। RM डैश क्या होगा मेरा, अब मेरा नया मीटर का रेजिस्टेंस क्या है, 100 + 25, दैट इज इक्वल टू 125 ओम। ओके, तो 125 ओम अपॉन में M-1, सो दिस विल बी माय न्यू रेजिस्टेंस RSH 13.889 ओम। अब मेरा RSH जो पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाया मैंने उसकी रेंज को बढ़ाने के लिए, और मेरा स्वैम्प रेजिस्टेंस, दे बोथ आर मेड ऑफ मैंगनीन। ठीक है, सो दैट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इज लो ऑन देम, ताकि जब मेरा टेम्परेचर इंक्रीज हो तो इनकी वैल्यू मेरी कम इंक्रीज हो। ओके, सो ऑन टेम्परेचर जो 30 डिग्री सेल्सियस, ये तो मुझे पता है कि 100 ओम से बन जाएगा 112 ओम। ये तो तीन क्वेश्चन से हम इसी को कैलकुलेट करते आ रहे हैं। व्हाट विल बी माय RSM2, ये भी मैंने लास्ट टाइम कैलकुलेट किया था, 25 1 + alpha T। अल्फा क्या है मेरा, ये मैंगनीन का ही है, मेरा जो RSM है वो भी मैंगनीन का ही है, सो इट विल ऑल्सो बी अल्फा, जो मैंगनीन का है वो अल्फा इंटू में डेल्टा टी, मेरा RSM आ गया। सिमिलरली मैंने RSH एट सेकेंड टेम्परेचर, मीन जब टेम्परेचर बढ़ गया तो मैंने RSH2 कैलकुलेट कर लिया। ओके, दिस इज माई RSH एंड देन दिस इज द न्यू सर्किट। इसमें भी फिर मैंने करंट डिवाइडर लगाया, अगर मेरे को IM2 निकालना है तो 1000 आया टोटल, 1 एम्पियर को मैं क्या ले सकता हूँ, 1000 mA। तो यहाँ से टोटल करंट कितना है मेरा, 1000 mA। यहाँ पे करंट डिविजन होगा, तो अगर मैं करंट डिवाइडर लगाऊंगा तो 1000 × मुझे इस ब्रांच में करंट बताना है, तो इसका मतलब किसका रेजिस्टेंस ऊपर आएगा, इस ब्रांच का, दैट इज 13.952 / 13.952 + 112 +
25.1125, ये सेम रेजिस्टेंस है जो चेंज हुआ था टेम्परेचर से. ओके वी गॉट दिस 92.358 मिली एम्पियर्स. ओरिजिनली जाना कितना चाहिए था 100 एम्पियर्स. ओरिजिनल तो मेरा यही था ना कि 100 एम्पियर्स का मीटर था, बट नाउ इट इज मेजरिंग डिफरेंट वैल्यू. अब एरर निकालेंगे तो कितनी एरर आएगी, 92.358 माइनस का 7.64 और माइनस का 7.64 2% एरर. नाउ यू कैन सी जब तक मैंने स्वयं रेजिस्टेंस नहीं लगाया था तो एरर कितना था मेरा, माइनस का 9.386%, और स्वयं रेजिस्टेंस लगाने के बाद एरर गॉट रिड्यूस टू माइनस का 7.642%. ठीक है, तो ये होता है मेरा स्वयं रेजिस्टेंस लगाने का एडवांटेज. ओके इन दिस वे मैंने आपको फिर से बता दिया कि लास्ट क्लास में हमने सेम टू सेम क्वेश्चन किया था, सेम टू सेम स्वयं रेजिस्टेंस लगा के भी सेम क्वेश्चन किया था, बस वैल्यू डिफरेंट थी और ये क्वेश्चन होमवर्क था, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया है और आप अपना आंसर मैच कर सकते हो. एंड इन केस आई हैव डन अ मिस्टेक यू मे टेल मी एंड आई विल रेक्टिफाई दैट मिस्टेक. ओके नाउ माय नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन एसी एमिटर्स. नाउ अब तक मैं क्या कंसीडर कर रहा था कि जो मेरा एमिटर था उसमें सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस था, वैसे भी मेरा सोर्स क्या था, डीसी वोल्टेज. अगर मैं एसी वोल्टेज लगाऊंगा तो जो मेरी कॉइल बनाई थी मैंने, ओके मेरी कॉइल थी वहां पे लाइक दिस, एक स्प्रिंग थी यहाँ पे, एक कोर थी और कोर के ऊपर एक कोयल बाउंड थी, एंड लाइक दिस दिस वॉज माई पीएमएमसी. यहाँ पे एक पोल था, यहाँ पे एक पोल था. अच्छा वन मोर पॉइंट मेरे को याद आ गया, ये मैग्नेट ऐसे रेडियल साइड रेडियल को बनाई जाती है. व्हाई वी डोंट टेक मैग्नेट लाइक दिस नॉर्थ साउथ, व्हाई वी मेक मैग्नेट लाइक दिस नॉर्थ एंड साउथ. तो ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, जब ऐसा सरफेस होता है मैग्नेट का तो जो भी फ्लक्स आता है दैट ऑल द फ्लक्स पासिस थ्रू द सेंटर, क्योंकि फ्लक्स जो लाइन्स आती है वो सरफेस से 90 डिग्री पे निकलती है, तो हर जगह 90 डिग्री जो आएगा वो इस सर्कल के सेंटर, इस जो इस सर्कल सर्कल बनेगा जो इसके सेंटर की तरफ डायरेक्ट होगा. दैट इज दैट मीन्स दैट एंटायर फ्लक्स और एंटायर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स विल पास थ्रू द कोयल और विल पास थ्रू दिस स्पेसिमेन. ओके आई होप यू गॉट इट. नाउ I have to see what is the effect of frequency on AC emitters. Suppose my frequency is omega, so this will be j omega Ln and this will be j omega Lsh. ठीक है, अगर मैं करंट निकालता हूँ अपना IM, IM क्या आएगा मेरा, IM करंट will be total current into मैं जो दूसरी ब्रांच है उसका impedance, that is RSH plus में j omega Lsh upon total impedance, RSH plus में j omega Lsh प्लस में आर एम प्लस में जे ओमेगा एल एम. फाइन आई कैन रीराइट दिस, मैं इसको फिर से रीअरेंज कर दूंगा थोड़ा सा, आई बार इंटू में आर एस एच प्लस में जे ओमेगा एल एस एच अपॉन में आर एस एच प्लस में आर एम प्लस में जे ओमेगा एल एस एच प्लस में एल एम. ओके नाउ इफ आई वॉन्ट टू राइट द मैग्नीट्यूड, सो आई एम का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं क्या लूंगा, ये जो आई है इसको मैं अंडर रूट के अंदर स्क्वायर कर दूँ, कोई बात नहीं ठीक है, इनटू में अंडर द रूट आर एस एच का स्क्वायर प्लस में ओमेगा स्क्वायर एल एस एच का होल स्क्वायर अपॉन में अंडर द रूट आर एस एच प्लस में आर एम का होल स्क्वायर प्लस में ओमेगा स्क्वायर एल एस एच प्लस में एल एम का होल स्क्वायर. ठीक है गॉट इट. अब मैं स्क्वायर के बाहर अंडर रूट है तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, दैट मीन्स आई एम इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूँ आई एम इक्वल्स टू आई, आई का मैग्नीट्यूड. ठीक है तो नाउ यू कैन सी इट, आई एम का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू आई इंटू अंडर द रूट आर एस एच का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एल एस एच स्क्वायर आर एस एच स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एल एस एच स्क्वायर आर एस एच प्लस आर एम का होल स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल एस एच प्लस एम एल एम का होल स्क्वायर. सो दिस इज द सेम इक्वेशन. सिमिलरली जैसे मैंने ये निकाला, अगर मैं उसी तरीके से मैं आपको पूछूं व्हाट विल बी माय ISH, मैंने तो यहाँ पे IM निकाला था अभी मीटर में, अगर मैं ISH निकालूंगा तो आप उसकी क्वेश्चन लिख सकते हो सीधा सीधा I. ओके चलो सीधा नहीं लिख रहे कोई बात नहीं, तो यहाँ पे सीधा मत लिखो आप, बोलोगे कंफ्यूज हो गए. ISH इक्वल्स टू I इनटू मैं, मेरी जो दूसरी ब्रांच है उसका इम्पीडेंस आएगा यहाँ पर, तो ISH तो मेरा इसमें ब्रांच में है, इस ब्रांच में, तो ऊपर कौन सा आएगा मेरा, ये वाला आर एम प्लस में जे ओमेगा एल एम. यही होता है मेरा कवर्ड करंट डिवाइडर का रूल, आर एम प्लस में जे ओमेगा एल एम अपॉन दोनों का टोटल, उसको मैं सीधा लिख देता हूँ आर एम प्लस में
आर एस एच प्लस में जे ओमेगा एल एम प्लस में एल एस एच। फाइन, नाउ अगर मैं इस वजह में इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो क्या आएगा मेरा, आई एस एच इक्वल टू आई का मैग्नीट्यूड अंडर द रूट आर एम का स्क्वायर प्लस में ओमेगा स्क्वायर एल एल एम का स्क्वायर एल एम का स्क्वायर अपॉन में अंडर द रूट आर एम प्लस में आर एस एच का होल स्क्वायर प्लस में ओमेगा का स्क्वायर एल एम प्लस में एल एस एच का होल स्क्वायर। तो ये तो सेम सिमिलर जैसे हमने यहाँ पे आई एम निकाला था ऐसे ही मैंने यहाँ पे आई एस एच निकाल दिया एंड दिस इज आई हैव रिटन बोथ हियर। ठीक है, नाउ डिवाइड बोथ दिस टू, इफ दिस इज वन दिस इज टू देन डिवाइड वन बाई टू, तो मेरा क्या आएगा आई एम अपॉन आई एस एच इक्वल्स टू अंडर द रूट, देखो आई से आई कैंसिल हो जाएगा, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूँ तो आई से आई कैंसिल और इस अंडर रूट वाले से ये अंडर रूट वाली टर्म कैंसिल, तो दोनों सेम है। सो आई एम बाई आई एस एच इज इक्वल्स टू द अंडर द रूट ये वाली टर्म आर एस एच का स्क्वायर प्लस में ओमेगा स्क्वायर एल एस एच का स्क्वायर और अपॉन में आर एम का स्क्वायर प्लस में ओमेगा स्क्वायर एल एम का स्क्वायर आर एम का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल एम का स्क्वायर। ओके, नाउ व्हाट आई वांट, आई वांट दैट माय एमिटर वर्क्स इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी, मीन्स मैं एक बार एमिटर डिजाइन कर दूं देन आई शुड बी एबल टू मेजर द करंट ऑफ एनी फ्रीक्वेंसी। ऐसा नहीं है कि भाई मैं एमिटर डिजाइन करूँ पर मुझे उस पर लिखना पड़े कि दिस एमिटर विल वर्क ओनली फॉर 50 हर्ट्ज, नो आई डोंट वांट दैट हेडेक। अब मुझे ये एमिटर बनाना है इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी, उसके लिए मैं क्या करूँगा टेक आर एस एच कॉमन, ऊपर से आर एस एच कॉमन ले लो। सो यहाँ पे अगर मैं आर एस एच का स्क्वायर कॉमन लूंगा तो अंडर रूट से बाहर आएगा मेरा आर एस एच, सिमिलरली नीचे आर एम का स्क्वायर कॉमन ले लो तो बाहर आ जाएगा मेरा आर एम, वन प्लस में ओमेगा स्क्वायर एल एस एच का स्क्वायर अपॉन में आर एस एच का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में वन प्लस ओमेगा स्क्वायर एल एम अपॉन में आर एम, इन दोनों का स्क्वायर। यू कैन सी इट, मैंने यहाँ से आर एस एच का स्क्वायर का कॉमन ले लिया तो कॉमन आर एस एच स्क्वायर कॉमन है तो रूट के बाहर आएगा आर एस एच अपॉन आर एम, वन प्लस में ओमेगा स्क्वायर एल एस एच स्क्वायर अपॉन में आर एस एच स्क्वायर अपॉन में वन प्लस ओमेगा स्क्वायर एल एम स्क्वायर अपॉन में आर एम का होल स्क्वायर, तो ये आया मेरा आई एम अपॉन आई एस एच। फाइन, अब मेरे को अगर फ्रीक्वेंसी की टर्म एलिमिनेट करनी है दैट मीन्स इफ आई मेक दीज टू टर्म्स इक्वल दैट इज यू कैन राइट वन प्लस ओमेगा स्क्वायर एल एस एच का स्क्वायर अपॉन में आर एस एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन प्लस में ओमेगा स्क्वायर एल एम स्क्वायर अपॉन में आर एम का स्क्वायर, ठीक है, तो वन से वन कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, दोनों साइड स्क्वायर है तो मैं दोनों साइड अंडर रूट ले सकता हूँ, ठीक है, तो मेरा क्या आएगा एल एस एच अपॉन आर एस एच इक्वल्स टू एल एम अपॉन आर एम, दिस इज द कंडीशन व्हेन माय एमिटर विल बी फ्री फ्रॉम द एनी इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स या तो आप उसमें डीसी की मेजरमेंट कर लो या उसमें 10 हर्ट्ज 20 हर्ट्ज 50 हर्ट्ज 100 हर्ट्ज उसमें फ्रीक्वेंसी का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा इफ यू मेक एल एस एच अपॉन आर एस एच इक्वल्स टू एल एम अपॉन आर एम। दैट इज अच्छा, एक एल आर सर्किट में हमने नेटवर्क में रेजोनेंस में पढ़ा है ऑलरेडी, अगर ये मेरा आर है ये मेरा एल है व्हाट विल बी माय टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट विल बी एल बाय आर, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ एल बाय आर ऑफ शंट इज इक्वल्स टू एल बाय आर ऑफ माय मीटर वाली ब्रांच, दैट मीन्स टाइम कांस्टेंट ऑफ शंट सर्किट इज इक्वल्स टू द मीटर टाइम कांस्टेंट और टाइम कांस्टेंट ऑफ द मीटर सर्किट, ठीक है, इफ आई फुलफिल दिस कंडीशन देन माय मीटर विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी एंड व्हाट विल बी माई आई एम बाई आई एस एच। यहाँ से देखो इस इक्वेशन से देखो अगर मेरी ये दोनों टर्म इक्वल होगी तो ये तो कैंसिल हो जाएंगी, अगर मेरी ये दोनों टर्म इक्वल होगी तो ये तो कैंसिल हो जाएंगी, सो माई आई एम बाई आई एस एच इज इक्वल टू आर एस एच बाई आर एम। ओके, और यू कैन से आई एम इंटू माई आर एम इज इक्वल टू आई एस एच इंटू माई आर एस एच, ये वही है कि दोनों पॉइंट पे सेम पोटेंशियल लग रहा है और सेम पोटेंशियल तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, और ये एक्सप्रेशन तो हमने इसके पहले भी यूज की थी और हमने याद भी की थी इफ यू हैव मेमोराइज इट। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट मुझे कैसे करना है अपने मीटर को और अपने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को। फाइन, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक विच इज माई सेंसिटिविटी ऑफ एमीटर। मैंने आपसे बोला था कि हम पहले पीएमएमसी करेंगे उसके बाद एमआई ईएमएमसी सब कवर करेंगे, तो अभी मेरा पीएमएमसी ही चल रहा है, उसी के अंदर हम एमीटर वोल्टमीटर इनकी रेंज एनहांसमेंट इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी और ये सब कुछ देख रहे हैं। देन वी विल सी द एप्लीकेशन ऑफ पीएमएमसी एंड देन वी विल गो टू मूविंग आयरन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूविंग कॉइल। ओके, सो माय नेक्स्ट टॉपिक इज
सेंसिटिविटी ऑफ एमिटर। मैंने आपको पहले ही बताया था सेंसिटिव कैसे करते हैं, चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट इज माई सेंसिटिविटी। ठीक है, अगर एक मीटर मेरा सपोज अगर मेरा मीटर का जो चेंज हो रहा है, मैं इसको सेंटीमीटर से मेजर करता हूँ, लाइक 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मेरा इनपुट में 1 वोल्ट देने पे 1 मीटर 2 सेंटीमीटर चेंज कर रहा है, और 1 मीटर मेरा लाइक दिस, एक और मीटर है मेरा, बीच में लाइन नहीं होनी चाहिए मीटर में, लाइक दिस, सॉरी आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग, ओके। तो 1 मीटर मेरा 1 वोल्ट पे कर रहा है 0.5 सेंटीमीटर डिफरेंस। तो 1 वोल्ट पे जो 2 सेंटीमीटर कर रहा है वो तो उसको पॉइंट तो पहुंच जाएगा एटलीस्ट यहाँ पे। ठीक है, 1 वोल्ट दिखा देगा यहाँ पे आके, 1 वोल्ट। अगर इसमें मैंने 1 वोल्ट इनपुट दिया तो ये मिल जाएगा 0.5 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ओनली हेयर दिस विल बी 1 वोल्ट फॉर दिस एमीटर, और सॉरी वोल्ट मीटर, मैं वोल्ट मेजर कर रहा हूँ तो वोल्ट मीटर है, सॉरी वोल्ट मेजर कर रहा हूँ तो वोल्ट मीटर है मेरा। अगर मैं इनपुट 1 वोल्ट देता हूँ तो इसकी डिफ्लेक्शन तो है 2 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 सेंटीमीटर इसने कवर किया, लेकिन इसने किया 0.5 सेंटीमीटर। तो सेंसिटिविटी क्या होगी मेरी, चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट, सो 2 सेंटीमीटर अपॉन में 1 वोल्ट, दैट इज 2 सेंटीमीटर पर वोल्ट, 1 वोल्ट पे 2 सेंटीमीटर मेरा पॉइंटर ट्रेवल करता है। इसकी सेंसिटिविटी देखूँ तो 0.5 सेंटीमीटर अपॉन में 1 वोल्ट, दैट मीन्स 0.5 सेंटीमीटर पर वोल्ट मीन्स 1 वोल्ट पे इसका पॉइंटर 0.5 सेंटीमीटर मूव करता है। नाउ यू टेल मी इफ यू आर ए रिकॉर्डर, लाइक अगर आपकी ड्यूटी लगी हुई है कि आपको हमेशा वोल्टेज रिकॉर्ड करनी है, देन विच मीटर विल सूट यू बेस्ट, कौन से मीटर में से रीडिंग को रिकॉर्ड करना आपके लिए आसान होगा, जो 1 वोल्ट पे 2 सेंटीमीटर गैप दे रहा है या फिर जो 1 वोल्ट पे 0.5 सेंटीमीटर चल रहा है बस। यहाँ पे तो आपको लगेगा कि ये हिला भी है नहीं हिला यार, बट इन दिस मीटर द चेंज इन 1 वोल्ट और चेंज इन 0.5 वोल्ट इज ऑल्सो क्लियरली विजिबल, सो द मीटर विच इज हैविंग हाई सेंसिटिविटी इज वेरी गुड। ओके, मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर मेजर किया, कभी कभी हम क्या करते हैं, हम एंगल भी मेजर करते हैं, लाइक थीटा, कोई कितना थीटा मूव कर रहा है कितने इनपुट वोल्टेज चेंज करने पे, लाइक दिस। ओके, कभी थीटा कभी सेंटीमीटर, बट यू शुड नॉट चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट इज द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ सेंसिटिविटी फॉर रिकॉर्डिंग पर्पजेस। जो मीटर मेरा हायर सेंसिटिविटी का हुआ दैट विल बी माई बेस्ट चॉइस। ओके, सो सेंसिटिविटी ऑफ एमीटर, एमीटर विच हैव लोएस्ट और मिनिमम फुल स्केल वैल्यू हैज हाईएस्ट सेंसिटिविटी, इसका मतलब क्या हुआ, देखो मेरे पास 2 मीटर थे, इसने बोला कि जिसकी फुल स्केल वैल्यू सबसे लीस्ट है उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा, तो मीटर तो मेरा ऐसे ही होगा, मेरा 1 मीटर ये है, 1 मीटर मेरा ये है। ठीक है, सपोज ये मीटर मेरा मेजर करता है सिर्फ और सिर्फ 1 वोल्ट तक, इसकी जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन है वो है मेरी 1 वोल्ट, इसका मतलब 0.5 वोल्ट कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, 0.25 वोल्ट यहाँ पे होगा, 0.1 वोल्ट यहाँ पे होगा। ओके, ठीक है, सपोज दिस मीटर मेजर्स 10 वोल्ट, 10 वोल्ट मीन्स यहाँ पे होगा मेरा 5 वोल्ट, यहाँ पे होगा 2.5 वोल्ट और यहाँ पे कहीं होगा 1 वोल्ट। यू सी, अगर मेरा पॉइंटर 0 पे पड़ा हुआ है, मैं दोनों में इनपुट देता हूँ 1 वोल्ट, मैंने इनपुट 1 वोल्ट दिया तो इसका पॉइंटर कहाँ मूव करेगा, इसका पॉइंटर सीधा 90 डिग्री मूव करके मेरा पहुंच जाएगा एट 1 वोल्ट, और यू कैन से लाइक इधर से ये मूव करेगा मेरा 5 सेंटीमीटर और इसे 90 डिग्री, सो 90 डिग्री पर वोल्ट इज माई सेंसिटिविटी, चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट। बट मैं वही 1 वोल्ट अगर मैं एज एन इनपुट इस एमीटर में देता, इस वोल्ट मीटर में देता हूँ, सॉरी 1 वोल्ट है तो वोल्ट को वोल्ट मीटर मेजर करेगा, नो ऑफेंस, गलती हो जाती है कभी कभी मेरे से बोलने में। ठीक है, 1 वोल्ट मैंने इनपुट दिया तो इसका पॉइंटर कहाँ जाएगा मेरा, इसका पॉइंटर सिर्फ और सिर्फ मेरा इतना मूव करेगा, दैट इज बेयरली 5 to 10 डिग्री। तो इसकी सेंसिटिविटी कितनी हुई, इसकी सेंसिटिविटी कितनी हुई, 10 डिग्री पर वोल्ट। नाउ यू टेल मी कौन सा की सेंसिटिविटी ज़्यादा है, इसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा है जो 1 वोल्ट पर 90 डिग्री मूव कर रहा है, इसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा है, आपको भी पता है सेंसिटिविटी इज चेंज इन आउटपुट अपॉन में चेंज इन इनपुट, सो इस मीटर की सेंसिटिविटी ज़्यादा है, दैट मीन्स इसकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना था 1 वोल्ट का और इसका कितना था 10 वोल्ट का, दैट मीन्स जिस मीटर की फुल स्केल वैल्यू इज मिनिमम दैट हैज हाईएस्ट सेंसिटिविटी। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड कि जिसके भी मेरी फुल स्केल वैल्यू, इसकी मतलब ये मैक्सिमम कितना मेजर कर सकता है 1 वोल्ट और ये मैक्सिमम कितना मेजर कर सकता है 10 वोल्ट, जो मेरा कम मेजर करेगा, जिसकी फुल स्केल वैल्यू मिनिमम होगी उसकी सेंसिटिविटी मैक्सिमम होगी। ठीक है, एमीटर विच हैव लोएस्ट और मिनिमम फुल स्केल वैल्यू हैज हाईएस्ट सेंसिटिविटी। ठीक है, और सेंसिटिविटी क्या होती है, चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट। ठीक है, सेंसिटिविटी इज द रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट टू द चेंज इन इनपुट, कैसे होती है हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है, आई होप यू
do not have any problem in this. Now every instrument is designed to have higher sensitivity, that is, for a small change in input, large change in the output is expected. That means agar mera 1 volt input mein change ho to mera output kitna change ho jaye zyada, means 2 cm 3 cm like this. So hum design karte hain har instrument ko so that its sensitivity is higher. So higher accuracy aur higher sensitivity ke liye hum kya karte hain, we increase the torque to weight ratio jo humne fluid friction damping mein padha tha electrostatic devices ke liye. Okay, every instrument is designed to have higher sensitivity, that is, for a small change in input, large change in the output is expected, so that reading of data and recording of data is convenient. For linear instruments have constant sensitivity, this is called static sensitivity. Means jo hamare linear instruments hote hain, linear instruments means jiska input aur output relationship linear hai, linear means straight line hai, तो उनकी जो सेंसिटिविटी होती है वो एट ऑल द पॉइंट्स इज सेम. मींस अगर मैं यहाँ पर देखूंगा सेंसिटिविटी को इस इनपुट के चेंज पे, तो क्या आएगी मेरी सेंसिटिविटी, डेल्टा एक्स आई टू इनपुट चेंज हुआ मेरा, तो मेरा डेल्टा एक्स ओ टू क्या हुआ, आउटपुट चेंज. तो डेल्टा एक्स ओ टू अपॉन डेल्टा एक्स आई टू, दिस इज माई सेंसिटिविटी एट पोजिशन नंबर टू. ठीक है, सेंसिटिविटी एट पोजिशन नंबर टू. अगर मैं यहाँ पर सेंसिटिविटी देखूंगा तो डेल्टा एक्स आई वन इनपुट है, डेल्टा एक्स आई वन इनपुट है और एक्स डेल्टा एक्स ओ वन आउटपुट है. So this is my sensitivity at 0.1. तो अगर जो मेरा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लीनियर है, इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स लीनियर है, तो उसकी सेंसिटिविटी एट ऑल द पॉइंट्स इज सेम. क्यों सेम है बताओ? वैसे सेंसिटिविटी इज नथिंग बट चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट. दैट मीन्स अगर मैं इसको एक्स वाई की फॉर्म में लिखूँ, सपोज ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, तो ये क्या आ जाएगा, मेरा वाई टू माइनस में वाई वन अपॉन में एक्स टू माइनस में एक्स वन. और हमने 11th क्लास में पढ़ा था इसको क्या बोलते हैं, स्लोप. अब स्ट्रेट कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है तो इसका हर पॉइंट पे स्लोप तो सेम ही होता है ना. सो व्हाट इज माय सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी इज नथिंग बट माय स्लोप ओनली. तो जो स्ट्रेट लाइन होगा उसका हर पॉइंट पे स्लोप सेम होगा, जो मेरा स्ट्रेट लाइन होगा उसका मेरा हर पॉइंट पे स्लोप सेम होगा. बट अगर मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक ऐसे है और ऐसे है, तो इसका हर पॉइंट पे मेरा स्लोप डिफरेंट होगा. दैट मीन्स आई विल हैविंग डायनेमिक सेंसिटिविटी. अगर मेरा लीनियर है, स्ट्रेट लाइन है, तो स्लोप हर पॉइंट पे सेम है. दैट मीन्स माई सेंसिटिविटी विल बी सेम एट ऑल द पॉइंट्स, कॉन्स्टेंट रहेगी. उसको हम बोलते हैं स्टेटिक सेंसिटिविटी, लाइक पीएमएमसी. पीएमएमसी में मेरा क्या होता है, थीटा इज प्रोपोर्शनल टू आई. पीएमएमसी मेरा एक लीनियर इंस्ट्रूमेंट है. बट फॉर नॉन लीनियर इंस्ट्रूमेंट्स द सेंसिटिविटी इज वेरिंग, इट इज कॉल्ड डायनेमिक सेंसिटिविटी. तो सेंसिटिविटी होता क्या है, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, यही होता है मेरा स्लोप. तो अगर स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप उसका कॉन्स्टेंट है, बट अगर लाइन स्ट्रेट ना होकर थोड़ा कर्व है, दैट मीन्स डायनेमिक सेंसिटिविटी. वो कहाँ पे होती है हमारी, मूविंग आयरन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूविंग कॉइल, जहाँ पे थीटा प्रोपोर्शनल होता है आई स्क्वायर के. ये हमने देखा था, थीटा आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल था. ठीक है, इसकी हम डेरिवेशन आराम से देखेंगे, डोंट वरी. सो दिस सेंसिटिविटी तो हमने कर ही लिया है. हियर सी, दिस इज नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनपुट आउटपुट. तो यहाँ पे मेरी सेंसिटिविटी हर जगह डिफर करती है, स्लोप मेरा हर जगह डिफर करता है, मेरा स्लोप ही सेंसिटिविटी है, एंड वी कॉल इट डायनेमिक सेंसिटिविटी. फाइन. तो यहाँ पे दो मीटर्स का एग्जांपल है, मीटर ए मीटर बी. एक मेरा मीटर ए है जो 1 एम्पियर पे 45 डिग्री का डिफ्लेक्शन देता है और 1 एम्पियर को मेजर कर लेता है. एक मेरा दूसरा मीटर बी है जो मेरा 1 एम्पियर देने पे सिर्फ और सिर्फ अराउंड 10 डिग्री का डिफ्लेक्शन देता है और 1 एम्पियर को मेजर कर लेता है. तो सेंसिटिविटी क्या होगी मेरे यहाँ पे, तो 45 डिग्री पर एम्पियर और यहाँ पे 10 डिग्री पर एम्पियर. मैंने ऐसे दो तीन एग्जांपल आपको दिए थे, सेंटीमीटर पर वोल्ट और एंगल डिग्री पर वोल्ट दोनों के. तो आपको पता लग जाएगा यहाँ सेंसिटिविटी किसी ज्यादा है, जिसका स्मॉल चेंज इन इनपुट पे जिसका आउटपुट ज्यादा चेंज हो रहा हो. 1 एम्पियर के चेंज पे इनपुट में इसका आउटपुट तो 45 डिग्री चेंज हुआ, इसका सिर्फ 10 डिग्री चेंज हुआ. दैट मीन्स इसकी सेंसिटिविटी, मीटर ए की सेंसिटिविटी इज मोर देन द मीटर बी की सेंसिटिविटी. ओके नाउ, अच्छा पीएमएमसी का डिसएडवांटेज क्या क्या थे. पहला डिसएडवांटेज क्या था मेरा, कि एसी में मेजरमेंट नहीं कर सकते डायरेक्टली. उसका हमने सॉल्यूशन निकाला कि आप क्या करो, एसी जो वो वेव फॉर्म आ रही है उसको एक फुल वेव रेक्टिफायर में देके उसे पीएमसी में पास करा दो, पल्सेटिंग डीसी आएगी, उसकी जो भी एवरेज वैल्यू दिखाए पीएमसी उसको 2Vm/π के इक्वल रख देते हैं. जो भी वैल्यू आए पीएमसी की रीडिंग, वहां से वीएम निकाल लो और वीएम से Vm/√2 करके वी आरएमएस कैलकुलेट कर सकते हैं आप. फाइन,
सेकेंड वॉज इट कैन मेजर ओनली 100 मिली एम्पियर और अराउंड 10 मिली वोल्ट लाइक दिस. दिस वॉज अनदर डिसएडवांटेज, 10 मिली वोल्ट और 1 वोल्ट लाइक दिस, इतनी ही इसकी कैपेसिटी होती है. बट प्रैक्टिकली हमारा करंट किलो एम्पियर्स में होता है और वोल्टेज भी किलो वोल्ट्स में होती है, या फिर 100 वोल्ट, 200 वोल्ट, 500 वोल्ट लाइक दिस. तो इतनी वोल्टेज मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, करंट के लिए हमने क्या किया था, एनहांसमेंट ऑफ द एमीटर. वोल्टेज के लिए क्या करेंगे हम, एनहांसमेंट ऑफ द वोल्ट मीटर. करंट के लिए हमने क्या किया था, हमने मीटर के पैरेलल में लगाया था रेजिस्टेंस, सो दैट माई मैक्सिमम करंट बाईपास थ्रू हेयर, और थोड़ा बहुत करंट जो रिक्वायरमेंट है मीटर की उतना ही करंट इसमें पास करे, और फिर मल्टीप्लायर से हम मेन वैल्यू ऑफ टेस्ट करंट कैलकुलेट कर लेते थे. तो अब यहाँ पे मैंने पैरेलल में आर एस एच लगाया था, तो मैं वोल्ट मीटर में कहाँ लगाऊंगा, सीरीज में आर एस लगाऊंगा मैं सीरीज में. हेयर इज माई मीटर, मीटर ये सीरीज में होगा, ताकि सो दैट माई मैक्सिमम वोल्टेज गेट्स ड्रॉप अराउंड आर एस. तो आर एस की वैल्यू कम होनी चाहिए ज्यादा, अगर दोनों मीटर और आर एस दोनों में से सेम करंट पास कर रहा है, एंड आई वॉन्ट माई आई इंटू माई आर एस शुड बी वेरी वेरी मोर देन आई इंटू माई आर एम. मीटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप तो 1 वोल्ट के आसपास होगा. अगर मैं 100 वोल्ट लगाता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि 99 वोल्ट तो मेरी आर एस में ड्रॉप हो जाए और 1 वोल्ट पहुंचे मेरी मीटर पे. दैट मीन्स माई आर एस शुड बी वेरी मोर देन आर एम. कितनी होनी चाहिए वो हम आराम से सॉल्व करेंगे अभी. ओके, फर्स्ट रीड दिस. वोल्ट मीटर्स आर एनहांस्ड बाई कनेक्टिंग एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस कॉल्ड सीरीज मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस. सीरीज मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस मेड ऑफ मैंगनीन और कॉन्स्टेंटोन और यूरेका. यूरेका भी एक मेरा अलॉय है जिसका थर्मल टेम्परेचर कोफिशियंट बहुत ही कम होता है, लाइक कॉन्स्टेंटोन एंड मैंगनीन इन सीरीज विद द मीटर. मैंने बताया सीरीज में कौन लगाते हैं, सो दैट मैक्सिमम पोटेंशियल गेट्स ड्रॉप इन दिस सीरीज रेजिस्टेंस ओनली. ओके, आई होप यू गॉट इट. नाउ सी वन थिंग, जो प्राइमरी चीज हम जो मेजर करते हैं ना, मैंने आपको पहले ही बताया था पीएमएमसी में क्या मेजर होता है हमारा. पीएमएमसी में मेरा थीटा मेजर होता है, प्रोपोर्शनल टू द करंट. तो जो प्राइमरी मेजरमेंट है वो हमारी करंट की ही है. अगर हमें वोल्टेज मेजर करना है तो हम करंट मेजर करेंगे, प्लस वी विल फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ द मीटर, और हम निकाल लेंगे ओम्स लॉ से आर एम इंटू आई, दैट इज द वोल्टेज मेजर. सो प्राइमरीली हम वोल्टेज की जगह करंट ही मेजर करते हैं, बस करंट को मीटर के रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके हम वोल्टेज कैलकुलेट कर लेते हैं. ओके, इफ यू गॉट इट देन नाउ सी आईएफएस. आईएफएस क्या है मेरा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन. तो दिस इज फुल स्केल करंट ऑफ द वोल्ट मीटर. एक मेरा मीटर है जिसको मैं यूज कर रहा हूँ एज ए वोल्ट मीटर की तरह. सो आईएफएस इज द फुल स्केल करंट, जितना मतलब कि फुल स्केल वोल्टेज पे जितना करंट मीटर से पास करेगा, दैट इज माई आईएफएस. अगर मैं आपको यहाँ से पूछूं, इस मीटर में जो मैंने यहाँ पे मीटर बनाया था, इसमें यहाँ पे था आर एम रेजिस्टेंस, ये था मेरा आर एस रेजिस्टेंस, ये आई करंट पास कर रहा था. सपोज दिस आई एफ एस एट वोल्टेज, फुल वोल्टेज वी. तो आई एफ एस क्या होगा मेरा, वी अपॉन में आर एस प्लस में आर एम. इस सर्किट में आई एफ एस होगा मेरा वी अपॉन आर एस प्लस आर एम. तो दिस इज माई आई एफ एस इज इक्वल टू वी अपॉन आर एस प्लस में आर एम. ठीक है, नाउ वट इज माई वोल्ट मीटर सेंसिटिविटी. वोल्ट मीटर सेंसिटिविटी और फिगर ऑफ मेरिट मैंने आपको पहले ही बताया, जब हमने सेंसिटिविटी पढ़ा था, द एमीटर और द इंस्ट्रूमेंट विच इज हैविंग लीस्ट फुल स्केल वैल्यू, सबसे कम जिसकी मिनिमम फुल स्केल वैल्यू होगी उसकी सेंसिटिविटी मैक्सिमम होगी. ओके, सो हेयर माई सेंसिटिविटी विल बी वन अपॉन आई एफ एस, दैट इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द फुल स्केल वैल्यू. सेंसिटिविटी इज इक्वल टू वन अपॉन आई एफ एस. यहाँ से अगर वन अपॉन आई एफ एस करोगे तो आएगा मेरा आर एस प्लस में आर एम अपॉन में वी, दैट इज ओम पर वोल्ट इज माई सेंसिटिविटी ऑफ द वोल्ट मीटर. आई होप यू गॉट इट. द सेंसिटिविटी ऑफ वोल्ट मीटर इज इक्वल टू वन अपॉन आई एफ एस और आर एस प्लस आर एम अपॉन में वी, क्योंकि आई एफ एस क्या मेरा ये है, इसको मैं रिवर्स कर दूंगा, तो आर एस प्लस आर एम अपॉन में वी इज इक्वल टू ओम पर वोल्ट. फाइन, नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द सीरीज मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस. सेंसिटिविटी का एप्लीकेशन हम अभी देखेंगे, पहले एक बार आर एस की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं. ओके, तो हम सीरीज मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. सपोज ये मेरा एक मीटर है एंड इसकी कैपेसिटी है टू मेजर वी एम वोल्ट, वी एम वोल्ट. ओके, आई हैव टू मेजर ए वोल्टेज दैट इज मच ग्रेटर देन द वी एम, जो इसके मीटर की कैपेसिटी है. तो मेरा पहले आएगा मल्टीप्लीकेशन फैक्टर विच इक्वल टू वी अपॉन वी एम. ठीक है, दिस इज टू बी मेजर्ड, टू बी मेजर्ड
जो मैं मेजर करनी है अपॉन द लिमिट ऑफ द मीटर, ठीक है, मेरा कुछ एम आ जाएगा। नाउ अगर मैं इस सर्किट में यहाँ पे एक सीरीज रेजिस्टेंस आर एस है और एक है मेरा मीटर का रेजिस्टेंस आर एम, तो आप यहाँ पे देखो दिस इज माई आर एस एंड दिस इज माई आर एम, यहाँ पे मेरा वी एम, किसी भी कंडीशन में माई वी एम शुड नॉट एक्सीड द लिमिट, मैंने यहाँ पे लगाया सप्लाई वोल्टेज वी। अगर मेरा वी एम लिमिट से ऊपर गया तो मतलब मेरा मीटर से करंट जो हो जाएगा वो मैक्सिमम वैल्यू क्रॉस कर जाएगा, मेरा मीटर जल जाएगा, माई मीटर विल बर्न आउट। ओके, सो यहाँ पे मैं पोटेंशियल डिवाइडर लगाऊँ तो वी एम विल बी सप्लाई वोल्टेज वी इन टू में आर एम अपॉन में आर एम प्लस में आर एस। जब मैंने एमीटर की रेंज एक्सटेंड करी थी, एमीटर की रेंज एनहांस करी थी, तो हमने उसमें करंट डिवाइडर यूज किया था, यहाँ पे पोटेंशियल डिवाइडर यूज हो रहा है मेरा। वी बाई वी एम इज इक्वल टू आर एम प्लस में आर एस अपॉन में आर एम इज इक्वल टू वन प्लस में आर एस अपॉन में आर एम। ओके, नाउ वट इज वी अपॉन वी एम, दिस इज माई मल्टीप्लाई मल्टीप्लायर एम इज इक्वल टू वन प्लस में आर एस अपॉन में आर एम, सो एम माइनस में वन इज इक्वल टू आर एस अपॉन में आर एम। इट मीन्स मेरा जो सीरीज में रेजिस्टेंस लगेगा वो होगा मीटर का रेजिस्टेंस इन टू में एम माइनस वन। अगर मेरा एम सपोज है मेरा 10, तो मेरा सीरीज में आएगा 10 माइनस 1, दैट इज 9 टाइम्स द रेजिस्टेंस ऑफ द मीटर। फाइन, आई होप यू गॉट इट। ओके, सो आर एस आएगा मेरा आर एम इन टू में एम माइनस 1। आर एस को क्या बोलते हैं, सीरीज मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस। सिंपल है, बस पोटेंशियल डिवाइडर लगाना है आपको एंड यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू, बस थोड़ा इधर उधर करके। नाउ आई एफ एस इज माई फुल स्केल करंट। मेरा फुल स्केल करंट क्या होगा, जो इस मीटर का फुल स्केल करंट होगा, ये मीटर और ये रेजिस्टेंस सब कुछ एक सीरीज में कनेक्टेड है, तो जो यहाँ से फुल स्केल करंट आएगा वो यहाँ पे आएगा एंड वही मेरा इस मीटर में एंटर करेगा। दैट मीन्स माई फुल स्केल करंट वैल्यू विल नॉट चेंज, जो रेंज एनहांस करने से पहले थी वही रेंज एनहांस करने के बाद भी होगी। जब हमने एमीटर में रेंज एक्सटेंड करी थी तो मेरा जो वोल्टेज था वो पहले भी वही था आई एम आर एम और बाद में भी वही था आई एस एच आर एस एच इजक्वल टू आई एम आर एम, तो उसमें मेरी वोल्टेज चेंज नहीं हुई थी। यहाँ पे मेरा करंट चेंज नहीं होगा क्योंकि आर एस और आर एम दोनों सीरीज में है, ठीक है। सो माई आई एफ एस इक्वल टू फुल स्केल करंट इजक्वल टू मीटर करंट इजक्वल टू वी अपॉन में आर एस प्लस में आर एम, ये तो मुझे पता ही है। आई एम क्या होगा, द एप्लाइड वोल्टेज वी, एप्लाइड वोल्टेज वी अपॉन में आर एस प्लस आर एम। सेंसिटिविटी क्या होती है मेरी, सेंसिटिविटी इक्वल टू वन अपॉन में आई एफ एस। सेंसिटिविटी को हम फिगर ऑफ मेरिट बोलते हैं, तो माई सेंसिटिविटी इज वन अपॉन में आई एफ एस इजक्वल टू, और आई एफ एस क्या है मेरा वी अपॉन में आर एस प्लस में आर एम, तो अगर वन अपॉन में इसको प्लेस करेंगे अगर हम, तो इट विल बी आर एस प्लस में आर एम अपॉन वी, और रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, वी की वोल्ट, सो ओम पर वोल्ट। सो सेंसिटिविटी इज इक्वल टू आर एस प्लस में आर एम अपॉन में वी ओम पर वोल्ट। आई होप यू गॉट द सेंसिटिविटी। ओके, नाउ सी दिस प्रॉब्लम, आई हैव मीटर जिसके फुल स्केल करंट है 0.5 मिली एम्पियर, दैट मीन्स मैं इससे ज्यादा करंट उसमें पास नहीं करा सकता। ओके, और वो मीटर का रेजिस्टेंस कितना है मेरा 100 ओम। नाउ और 100 ओम है रेजिस्टेंस है और 0.5 मिली एम्पियर मेरा है करंट फुल स्केल, तो ये कितनी वोल्टेज मेजर करेगा, वी एम इक्वल टू आई एफ एस इंटू में आर एम, यही होगा 0.5 इंटू में 100, दैट विल बी 50 मिली वोल्ट इसकी है कैपेसिटी, ठीक है। सो यही मेरे को टेबल में डाटा दिया है कि इसकी कैपेसिटी है 50 मिली वोल्ट, तो जितनी कैपेसिटी है कैपेसिटी पे तो मतलब हमने कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करा, अभी कुछ भी सीरीज में नहीं लगाया, अभी फुल स्केल डिफ्लेक्शन 0.5 मिली एम्पियर। व्हाट इज माय सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी होती है मेरी, एक तो फॉर्मूला है मेरा आर अपॉन में वी करने का, तो 100 ओम अपॉन में 50 मिली वोल्ट दैट इज 2 किलो ओम पर वोल्ट आएगी मेरी सेंसिटिविटी। या फिर मैं कर सकता हूँ सीधा 1 अपॉन में आई एफ एस, और करंट नीचे है मैं ओम्स लॉ को यूज करूंगा, वी इक्वल टू आई आर, तो करंट की यूनिट क्या होती है मेरी वोल्ट पर ओम, ठीक है, तो 1 अपॉन करंट की यूनिट क्या होगी मेरी ओम पर वोल्ट, सिंपल। सो 1 अपॉन में आई एफ एस करूंगा तो मैं 1 अपॉन में 0.5 दैट इज इक्वल टू 2, 1/2 = 2, ठीक है। सेंसिटिविटी इक्वल टू 2 किलो ओम पर वोल्ट। नाउ रिमेंबर वन थिंग, मिरर अगर मैं इसकी रेंज एनहांस भी करता हूँ तो भी मेरे सीरीज में तो करंट सेम ही रहेगा। अगर मेरा सीरीज में करंट सेम ही रहेगा एनहांस करने के बाद भी, दैट मीन्स माई आई एफ एस विल नॉट चेंज, और मेरा आई एफ एस चेंज नहीं होगा तो मेरी सेंसिटिविटी भी चेंज नहीं होगी। गॉट इट। नाउ
सेंसिटिविटी का एक हम मतलब लिटरल मीनिंग भी समझ सकते हैं, बट फर्स्ट यू कंप्लीट द टेबल, ओके, देन आफ्टर मैं बताऊंगा कि सेंसिटिविटी से भी आप कैसे डायरेक्टली रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट हाउ कैन यू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस वैल्यू दैट नीड टू बी अप्लाइड इन द सीरीज टू द मीटर डायरेक्टली फ्रॉम द सेंसिटिविटी. सपोज इफ आई हैव टू मेजर 500 मिली वोल्ट, मीटर की कैपेसिटी कितनी है मेरी 50 मिली वोल्ट, मेजर कितना करना 500 मिली वोल्ट, तो एम क्या आएगा मेरा, माई मल्टीप्लायर इज इक्वल टू V अपॉन में वी एम, तो 500 अपॉन 50 दैट इज 10. सीरीज में कितना आएगा मेरा रेजिस्टेंस, सीरीज मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस विल बी आर एम इनटू में एम माइनस 1, एम माइनस 1 मींस 10 माइनस 1 9, 9 टू 100 दैट इज 900 ओम. IFS मेरा चेंज नहीं होगा, मेरा 2 किलो ओम सेंसिटिविटी चेंज नहीं होगी. क्यों चेंज नहीं होगी, क्योंकि मेरी सेंसिटिविटी क्या है 1 अपॉन में IFS. अगर आपको भरोसा ना हो तो आप IFS फिर से निकाल सकते हो, माय न्यू IFS विल बी सी इन द राइट कॉर्नर, my new IFS will be new voltage upon my new resistance, that is new voltage कितनी मेरी 500 millivolt और new resistance कितना हो जाएगा 900 ohm plus में 100 ohm पहले का मीटर का resistance है, okay, so it will be 500 millivolt upon में 1000 ohm, ठीक है, ये कितना आ जाएगा मेरा 0.5 milliampere. और मेरे को sensitivity निकालनी होती तो R upon में V, that will be 1000 ohm upon में 500 millivolt, 502, so 2 ohm per millivolt, 2 ohm per millivolt और 2 kilo ohm per volt. आपको यूनिट कन्वर्ट करनी तो आती होगी ना, मैं पर millivolt है तो millivolt को मैं वोल्ट में करूंगा तो ऊपर आ जाएगा 1000 मल्टीप्लाई, सो 2000 ohm और आई कैन से 2 kilo ohm per volt. सो मेरी सेंसिटिविटी और IFS चेंज नहीं होंगे, मैंने चेक भी करके देख लिया. नाउ सी वन अनदर एग्जांपल, अगर मुझे 1 वोल्ट मेजर करनी है, ठीक है, पहले कितनी थी 50 millivolt, अब मेजर करनी है 1 वोल्ट, 1 वोल्ट मींस 1000 millivolt, तो मेरा m क्या आ गया 20. सिमिलरली rs, सीरीज मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस क्या होगा, rm into m minus 1 दैट विल बी 1900. ifs निकल जाएगा मेरा 0.5, ये तो निकलना क्या है, तो सेम होना है, तो 1900, तो 100 ohm पहले का था, 900 ohm और है तो 900, तो ये हो गया, अब इसमें 1000 और ऐड कर दो तो हो जाएगा 1900. सो इस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे मैं लगा सकता हूं 1 वोल्ट तक की सप्लाई टू मेजर द वोल्टेज. सिमिलरली अगर मेरे को 5 वोल्ट करनी है तो 5 वोल्ट मीन्स 5000 मिली वोल्ट, अब मेरा एम क्या आ गया 100, 100 एम आ गया तो मुझे क्या करना है, सीरीज मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस आर एस इक्वल टू 100 इंटू में 100 माइनस का 1, एम माइनस का 1, दैट विल बी 9900 ओम, ओके. सेंसिटिविटी 0.5, सॉरी IFS फुल स्केल डिफ्लेक्शन 0.5, दिस इज 2, तो पहले ही मेरा 900 और 19, पहले ही मेरा 2 किलो ओम के आसपास हुआ पड़ा है, ठीक है, कितना और लगाना है मुझे, बस 8 किलो ओम लगाना है, दैट मींस माय दिस रेजिस्टेंस विल कंप्लीटली 9 किलो ओम एंड 900 ओम दैट इज 9900 ओम. सो आई होप नाउ यू गॉट इट कि वोल्ट मीटर की रेंज कैसे एनहांस करनी है, बस वो एम निकालो मल्टीप्लाई और सीरीज रेजिस्टेंस इक्वल टू आर एम इंटू एम माइनस 1, ठीक है. तो सेंसिटिविटी का मतलब क्या है, हाउ डू यू अंडरस्टैंड सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी मींस 2 किलो ओम फॉर 1 वोल्ट, ये ना मेरी सेंसिटिविटी 2 किलो ओम पर वोल्ट, दैट मीन्स 1 वोल्ट के लिए, 1 वोल्ट की मेजरमेंट के लिए इस मीटर में 2 किलो ओम रेजिस्टेंस चाहिए. तो 5 वोल्ट के लिए कितना चाहिए मुझे 10 किलो ओम, अगर 1 वोल्ट के लिए मुझे चाहिए 2 किलो ओम तो 5 वोल्ट के लिए 10 किलो ओम, 5 वोल्ट में कहाँ पे मेजर कर रहा हूँ, डी पॉइंट पे, डायग्राम में देखो डी पॉइंट पे मेरा कितना है 5 वोल्ट, तो आप टोटल करके देखो 8 प्लस 1 9, 9 किलो ओम, 9 किलो ओम और 900 और 100 हजार, दैट मीन 1 किलो ओम, तो 9 प्लस 1 10 किलो ओम, तो 10 किलो ओम रेजिस्टेंस हो गया. अगर मेरे को सेंसिटिविटी पता है तो मैं सीधा निकाल सकता हूँ, सेंसिटिविटी 2 किलो ओम पर वोल्ट, अगर मुझे 10 वोल्ट मेजरमेंट करनी है तो मुझे लगाना पड़ेगा 20 किलो ओम रेजिस्टेंस, जिसमें से 100 ओम तो मीटर का है, मुझे 19.9 किलो ओम एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस पुट करना पड़ेगा. आई होप नाउ यू आर क्लियर विद दिस एनहांसमेंट ऑफ द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर. जैसे हमने एमीटर में देखा था कि 10 पेज का इफेक्ट क्या होता है, सिमिलरली यहाँ पे भी होगा, थोड़ा इफेक्ट होगा, यू कैन कैलकुलेट द एरर, आफ्टर दैट वी विल सी द लोडिंग इफेक्ट इन वोल्ट मीटर. सो दिस टॉपिक वी विल स्टार्ट इन अवर नेक्स्ट सेशन. थैंक यू वेरी मच.